अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों की डिमांड आती रहती है। तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए सिंपल 50,000 रुपीज़ का सिर्फ पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। कोई सेटअप नहीं है, अगर सेटअप की रिक्वायरमेंट आप करते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में वो भी अपलोड कर दूं। तो सिंपली चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कमाल की वीडियो को। So without wasting any further time, let's begin this video. हमारे पास जो पहले प्रोसेसर सेलेक्ट करने की बारी है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे i5 का 4th जनरेशन। एंड 4th जनरेशन में आप कोई भी बात कर सकते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोशिश करना जो एंड की सीरीज के वही परचेज करना। एंड हम लोग यहाँ पर i7 3rd में भी जा सकते हैं, बट वहाँ पर सिंपली इशू ये आएगा कि आपको फ्यूचर में आप इसको अपग्रेड करने में मसला आएगा, तो इसलिए i5 का 4th ही ठीक है, ताकि आप बाद में i7 4th लगा देना। एंड k लगा लोगे तो क्या ही वाली बात हो जाएगी। ट्राई करें कि पीसी आपको प्री बिल्ड में मिले, जस्ट बिकॉज कि आपको कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी और ग्राफिक्स कार्ड आपको अच्छा मिल जाएगा, वरना आप अगर मदरबोर्ड की तरफ हो जाएंगे कस्टम बिल्ड की तरफ तो आपको H81 परचेज करना पड़ेगा। 8GB रैम फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, बाद में आने वाले टाइम पर आप इसको 12GB या 16GB तक भी अपग्रेड कर सकते हैं, तब आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड हो जाएगी। 500GB की हार्ड ड्राइव है फॉर स्टोरिंग द गेम्स वगैरह। एंड 128GB का SSD पे करेंगे जिसमें हमारी विंडोज इंस्टॉल होगी और किसी किस्म का मसला नहीं देखने को मिलेगा। पावर सप्लाई आप यहाँ पर 500W की 80+ यूज कर रहे हैं, ताकि आपको कोई मसला वगैरह ना देखने को मिले। केस यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्मल होगी और हमें पूरे पीसी की कॉस्ट की बात करें तो ये पीसी आपको अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 25,000 रुपए का कॉस्ट कर लेगा। तो ये तो यहाँ पर हो गया पीसी। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने ग्राफिक्स कार्ड की। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड वी आर पेयरिंग RX 588GB, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड आपको अभी मार्केट में करेंटली 25,000 से लेकर 26,000 रुपए तक का कॉस्ट कर रहा है। अगर तो ये ग्राफिक कार्ड आपको नहीं देखने को मिलता तो आप यहाँ पर RX 570 भी यूज कर सकते हैं, 8GB वाला वर्जन, जो कि आपको इजिली इस प्राइस टैग में मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता या आपने ये ग्राफिक कार्ड नहीं परचेज करना तो आप GTX 1060 बाय कर सकते हैं, 3GB वाला वर्जन। इन सब की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इस पीसी को लेकर, और बाद में अगर प्रोसेसर i7 का 4th लगा लेंगे तो बिल्कुल ही ये परफेक्ट पीसी बन जाएगा। गेम्स की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट तमाम गेम्स चलेंगे जो आप खेलना चाहते हैं, आपके दीगर टास्क वगैरह भी इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा यार चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करी है जिस पर मैंने AliExpress से काफी अच्छे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करा है, तो सामने आपको वीडियो दिख रही होगी, जल्दी से क्लिक करके जानो यार मतलब क्या सीन चल रहा है।